वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सच्डा नाइन्टी वन में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो फ्रेंड्स लास्ट तक देखें फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन और सभी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है फ्रेंड्स साठ प्लस जो वैकेंसी आई है उसमें लगभग अड़तीस क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स अड़तीस क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब लगभग छिहत्तर नंबर की फ्रेंड्स आपकी साइंस आती है ठीक है इसलिए इसकी मत करें फ्रेंड्स अच्छे से वाच करें तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है पढ़ें क्वेश्चन को उसके बाद आंसर दें निम्नलिखित में से क्या पानी में आघुलनशील है आघुलनशील बताएं फ्रेंड्स पानी में आघुलनशील कौन सा है ऑप्शन आप आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स के सिंपल क्वेश्चन है और से भी पूछे गए क्वेश्चन है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप ए आपका फ्रेंड्स राइट होगा कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये पानी में आघुलनशील है मतलब पानी में फ्रेंड्स ये घुलनशील नहीं है बाकी जितने भी आपके दिए गए हैं फ्रेंड्स ये पानी में घुलनशील है सोडियम क्लोराइड हो गया मैग्नीशियम आयोडाइड और लिथियम ब्रोमाइड ये फ्रेंड्स जल में घुलनशील है बट यहाँ पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट जल में आघुलनशील है अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड्स एक्सप्लेन सोडियम क्लोराइड हो गया मैग्नीशियम आयोडाइड तथा लिथियम ब्रोमाइड ये पानी में घुलनशील होते हैं फ्रेंड्स ये घुलनशील हैं जबकि कैल्शियम के कार्बोनेट जो है ये पानी में अघुलनशील है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड दो है आपकी स्क्रीन पर पढ़ें क्वेश्चन नंबर दो को अच्छे से पढ़ लें फ्रेंड्स तभी आंसर दें सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए क्वेश्चन है पिछली परीक्षाओं में तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें समुद्र के जल में क्या पाया जाता है देखिए बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स लोहा जस्ता, टिन और आयोडीन इनमें से क्या पाया जाता है समुद्री जल में बताएं फ्रेंड्स समुद्र के जल में क्या पाया जाता है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप आपका फ्रेंड डी राइट होगा आयोडीन पाया जाता है समुद्र के जो जल में फ्रेंड्स आयोडीन पाया जाता है ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा चलिए पे एक्सप्लेन देखते हैं फ्रेंड्स समुद्र के जल में आयोडीन पाया जाता है ठीक है फ्रेंड्स आयोडीन पाया जाता है आयोडीन का उपयोग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है फ्रेंड्स आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीन पढ़े क्वेश्चन नंबर तीन को जल एवं एल्कोहल है ये फ्रेंड्स क्या है जल और जो आपका एल्कोहल है ये क्या है फ्रेंड्स पूर्ण पूर्ण रूप से मिश्रण है या फिर अंशता मिश्रण है या फिर आ या फिर कोई नहीं है बताएं फ्रेंड्स ये क्या है जल और पानी मतलब पूरी तरह से ये मिश्रण है तो देखिए फ्रेंड्स ये ऑप्शन ए ही आपका राइट होगा जल और पानी ठीक है सॉरी जल और जो आपका एल्कोहल है पानी और एल्कोहल जो दारू होती है वो पूर्ण रूप से क्या है ही है ठीक है ऑप्शन ए आपका राइट होगा अभी आप पे आप एक्सप्लेन देख लें कि जल एवं एल्कोहल पूर्ण रूप से मिश्रण के योग्य ठीक है मिश्रणी है ठीक है ये आपस में अच्छे से मिल गुल जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आप ए आपका राइट है फ्रेंड्स एल्कोहल के अणु जल के अणुओं की तुलना में छोटे होते।, होते हैं जो एल्कोहल के जो अणु होते हैं दारू के ठीक है उसके अणु क्या होते हैं कि जल की तुलना में फ्रेंड्स छोटे होते हैं और इन दो तरल पदार्थों को मिलाने से एक पूर्ण समांगी विलयन प्राप्त हो जाता है चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार वाशिंग सोडा है आपको बताना है वाशिंग सोडा क्या है स करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर वाशिंग सोडा है वाशिंग सोडा क्या है ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर वाशिंग सोडा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे वाशिंग सोडा की अगर बात करें तो ऑप्शन आप सी आपका राइट होगा सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट आपका क्या हुआ वाशिंग सोडा है अब हम यहाँ पर एक्सप्लेन देखते हैं फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट को वाशिंग सोडा कहा जाता है फ्रेंड्स ये एन ए टू सी ओ थ्री एन ए टू एन ए टू सी ओ थ्री इंटू टेन एच टू ओ ठीक है फ्रेंड्स ये वाशिंग सोडा का सूत्र होता है फ्रेंड्स सोडियम जो कार्बोनेट है इसका सूत्र होता है एन ए टू सी ओ थ्री इंटू टेन एच टू ओ ठीक है इसका उपयोग वाशिंग सोडा के रूप में कांच कास्टिक सोडा साबुन पाउडर आदि के निर्माण में किया जाता है फ्रेंड्स जो आपका एन ओ टू है फ्रेंड्स एन एन ए टू एन ए टू ओ फ्रेंड्स सी ओ थ्री आप ये सूत्र एक बार और देख लें फ्रेंड्स एन ए टू सी ओ थ्री इंटू टेन एच टू ओ ये फ्रेंड्स सूत्र होता है आपका सोडियम कार्बोनेट का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच पढ़ें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पाँच को श्वेत फास्फोरस रखा जाता है बताएं फ्रेंड्स श्वेत जो फास्फोरस होता है इसको किस में रखा जाता है पानी अमोनिया एल्कोहल और केरोसिन श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है गेस करें फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन है श्वेत फास्फोरस इसमें किस को किस में रखा जाता है फ्रेंड्स बताएं सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रेंड्स राइट होगा इसे पानी में रखा जाता है ठीक है ऑप्शन ए आपका राइट, हो राइट होगा अब यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स एक्सप्लेन की ठीक है एक्सप्लेन देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन आप ए आपका राइट है सफ़ेद फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस फ्रेंड जहरीला होता है सफ़ेद फास्फोरस कहता तो होता है तो फ्रेंट जहरीला होता है एवं हवा के संपर्क में आते ही प्रज्वलित हो जाता है ये क्या है हवा के संपर्क में जैसे ही आता है तुरंत फ्रेंड से क्या होता है प्रज्वलित हो जाता है तुरंत जलने लगता है इसलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है जो आपका सोडियम है फ्रेंड्स सॉरी यहाँ पे सफ़ेद फास्फोरस की बात की जा रही थी ठीक है तो ये जहरीला होता है और हवा के संपर्क में आते ही तुरंत जल जाते हैं इसलिए इसे पानी के अंदर रखा जाता है चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर छः को देखते हैं कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है बताएं फ्रेंड्स कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें सिंपल क्वेश्चन है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है देखिए फ्रेंड्स आपका एनि ओ oh एच है आपका एन ए सी एल हो गया एन ए एच सी ओ थ्री हो गया और एन ए टू सी ओ थ्री हो गया तो इनमें से बताएं कौन सा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बाक्स में आप आंसर दिया करें ठीक है इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी तो देखिए यहाँ पे एन ए ओ एच सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स एन ए ओ एच जी हो गया आपका ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है अब यहाँ पे आप देख लें फ्रेंड्स कि एन कास्टिक सोडा हो गया एन फ्रेंड्स ये साधारण नमक हो गया ठीक है इसे सोडियम क्लोराइड जो है इसे साधारण नमक कहा जाता है और यहाँ ये फ्रेंड्स हो गया आपका एन ये सोडियम बाई हो गया ठीक है इसे खाने वाला सोडा कहा जाता है एन जो है आपका ये सोडियम बाई कार्बोनेट है इसे खाने वाला कहा Na2CO3, इसे सोडा कहा जाता है फ्रेंड्स और एन ए टू सीओ थ्री सोडियम कार्बोनेट ठीक है इसे वाशिंग सोडा कहा जाता है एन ए टू सी ओ थ्री सोडियम कार्बोनेट फ्रेंड्स इसे वाशिंग सोडा कहा जाता है देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही दे गए हैं ठीक है ये पूछ लिए जाते हैं कि सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा का सूत्र बताएं क्या होगा खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होगा साधारण नमक कास्टिक सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रेंड्स चूना का कुछ भी फ्रेंड्स पूछ सकते हैं ठीक है मिट्टी का कोई भी सूत्र आपसे पूछा जा सकता है इस से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें चलिए क्वेश्चन नंबर सात को बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइटम है निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है बताएं फ्रेंड्स हीरा बालू कांच और पानी कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है या बनाए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आप ए आपका राइट होगा ये हीरा ऑप्शन ए यहाँ आप, पे आपका राइट है ये एक ही तत्व से बना है अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें फ्रेंड्स कि शुद्ध सिलिका ठीक है शुद्ध सिलिका एस आई ओ टू ठीक है शुद्ध सिलिका शुद्ध सिलिका मतलब एस आई ओ टू ठीक है, का है।, है, है ये आपका शुद्ध सिलिका कांच का मुख्य घटक है शुद्ध जो सिलिका है एस आई ओ टू है ये कांच का फ्रेंड्स मुख्य घटक होता है जबकि पानी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बनाए पानी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बनाए हीरा कार्बन का अप्रूफ है जो हीरा है वो क्या है कार्बन का फ्रेंड्स अप्रूफ है चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ आपकी स्क्रीन पर है बताएं फ्रेंड सूखी बर्फ क्या है सूखी बर्फ बात की जा रही है सूखी बर्फ की बताएं फ्रेंड्स क्या होगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप डी आपका राइट होगा फ्रेंड्स ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ठोस सी ओ टू ठीक है यहाँ पे सी ओ टू है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा ठीक है यह ऑप्शन डी होगा सूखी बर्फ जो है इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं फ्रेंड्स कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड सी ओ टू जिसे कहा जाता है सी ओ टू को शुष्क बर्फ कहा जाता है इसे शुष्क बर्फ या सूखी जो सूखी बर्फ कहा जाता है शुष्क या फिर सूखी बर्फ शुष्क बर्फ़ का परिशोधन फ्रेंड्स अठहत्तर दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस ताप पर पृथ्वी के वायुमंडली दाब पर किया जाता है शुष्क जो बर्फ होती है इसका परिशोधन जो किया जाता है फ्रेंड्स ये अठहत्तर दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस तापमान पर पृथ्वी के वायुमंडली दाब पर किया जाता है चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौ पढ़े क्वेश्चन नंबर नौ को उसके बाद आंसर दें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं सिंपल क्वेश्चन है सोडियम जिकेट सोडियम जिंकेट है यहाँ पे जिकेट नहीं है फ्रेंड्स सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है सोडियम जिंकेट जिंकेट का सूत्र बताएं फ्रेंड्स क्या होता है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा सोडियम एन ए टू ठीक है एन ए टू जेड एन ओ टू फ्रेंड्स ठीक है सोडियम जिंकेट ऑक्साइड ठीक है सोडियम जिंकेट का जो सूत्र होता है वो ऑप्शन बी यहाँ पे फ्रेंड्स राइट है अब यहाँ पे आप सूत्र देख ली कि सोडियम जिंकेट का फ्रिंट सूत्र जो होता है वो एन ए टू जेड एन ओ टू ठीक है एनए टू जेड एन ओ टू है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पढ़ें क्वेश्चन नंबर टेन को फिर नीला थोथा क्या होता है नीला थोथा बताएं फ्रेंड्स क्या होगा नीला थोथा का सूत्र सिंपल क्वेश्चन है नीला थोथा का सूत्र बताएं फ्रेंड्स क्या होता है गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बताएं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है नीला थोथा का सूत्र बताएं ऑप्शन आप आपके स्क्रीन पर है तो देखिए फ्रेंड्स ये कापर सल्फेट होगा नीला थोता को कापर सल्फेट कहा जाता है ठीक है नीला थोता का जो सूत्र है वो कापर सल्फेट है ऑप्शन आप ए आपका राइट है प्रिंट्स अब यहाँ पे हम फ्रेंड्स एक्सप्लेन देखते हैं कापर सल्फेट सी यू एस ओ फोर इंटू फाइव टू सी यू एस ओ फोर इंटू फाइव एच टू ओ ये फ्रेंड्स आपका नीला धोता है ठीक है नीला धोता हो गया सी यू एस ओ फोर इंटू फाइव एच टू ओ कापर सल्फेट जिसे कहा जाता है ठीक है कॉपर सल्फेट इसका सूत्र है सी यू एस ओ फोर इंटू फाइव एच टू ओ इसी को नीला धोता या फिर तोतिया भी कहा जाता है फ्रेंड्स ठीक है इसे नीला धोता को ही तोतिया कहा जाता है आयरन फ्रेंड्स ये जो आपका लोहा ठीक है पृथ्वी में मैग्नेटाइट इसका जो सूत्र होता है फ्रेंड्स एफ ई थ्री एफ ई थ्री फोर होता है एफ ई थ्री ओ फोर जिसे मैग्नेटाइट कहा जाता है आयरन लोहा पृथ्वी मैग्नेटाइट ठीक है मैग्नेटाइट अब यहाँ पे फ्रेंड्स हेमाटाइट इसका जो एस्क एस के रूप में पाया जाता है थ्री एफ ई टू ओ थ्री एफ ई जो आपका ये एफ ई टू ओ थ्री होता है फ्रेंड्स हेमाटाइट ठीक है इसका जो एस्क होता है फ्रेंड्स हेमाटाइट ठीक है एफ ई टू और थ्री जो है एस के रूप में पाया जाता है फ्रेंड्स कैल्शियम प्राकृतिक अवस्था में चूना पत्थर के रूप में होता है जो कैल्शियम है फ्रेंड्स वो प्राकृतिक अवस्था में बात की जाए तो ये चूना पत्थर के रूप में होता है फ्रेंड्स और पत्थर के रूप में चूना पत्थर के रूप में होता है तथा तो जीवित प्राणियों में ये हड्डियों एवं दांतों में पाया जाता है जो आपका ये चूना पत्थर की बात की गई फ्रेंड्स ये कैल्शियम प्राकृतिक अवस्था में चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है और जीवित जो प्राणी होते हैं उनमें फ्रेंड्स ये हड्डियों एवं दांतों में पाया जाता है चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स ये लास्ट है मेरा एलेवन नंबर क्वेश्चन पढ़ लें से अच्छे से उसके बाद आंसर दें प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है बताएँ फ्रेंड्स क्या सम्मिलित होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है गेस करें फ्रेंड्स ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आप बी आपका राइट होगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है फ्रेंड्स तो ये अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजन अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए फ्रेंड्स क्या होगा जल योजन अब यहाँ पे हम देखते हैं फ्रेंड्स एक्सप्लेन तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणु प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अड़ू जुड़ जल योजित होकर जिप्सम बनाते हैं फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणु जुड़कर अतः जलयोजित होकर प्रिंट जिप्सम बनाते हैं जो कड़ा होता है अब इसका सूत्र देख ले फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस ठीक है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र प्रिंट देख ले यहाँ से ये किस तरह से फ्रेंड्स ये किस तरह से रिएक्शन करता है ये आपको देखना है कि 2CaSO2CaSO4 ठीक है यहां पे SO4 है फ्रेंड्स ठीक है 2CaSO4 हाफ एस टू टू सी एस ओ फोर इंटू हाफ एस टू ओ ठीक है यहाँ पे गलती से प्रिंट देखिए गलती से यहाँ पे फोर नहीं है लिखा गया गलती का टाइपिंग में गलती हुई है टू सी ए टू सी ए एस ओ फोर इंटू हाफ एस टू ओ हाफ एस टू ओ ठीक है फ्रेंड्स और प्लस क्या होगा आपका थ्री एच टू ओ ठीक है थ्री एच टू ओ यहाँ पे तीन जल होंगे फ्रेंड्स थ्री एच टू ओ और ये आपका स्लैश हुआ फ्रेंड्स डैश टू सी एच ओ फोर इंटू टू एच टू ओ ये फ्रेंड्स ऊषमा प्लस ऊषमा निकलेगा इससे प्लस उष्मा ठीक है ये फ्रेंड जिप्सम हो गया प्लस ऊषमा ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया तो यहाँ पे फोर so है फ्रेंड्स ठीक है टू सी एच ओ फोर इंटू हाफ एच टू ओ प्लस थ्री एच टू ओ ठीक है प्लास्टर ऑफ पेरिस है फिर आपका ये जिप्सम का सूत्र हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे क्या निकला प्लस ऊषमा निकली ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा ऑप्शन बी राइट होगा फ्रेंड्स आपके अनाहाइड्रेट बनाने के लिए जल योजन